राजधानी देहरादून में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में निर्वाचन आयोग ने मॉडल बूथ बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत प्रदेश में 3 तरह के मॉड्यूल बूथ तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में 85 महिला कार्मिकों द्वारा संचालित बूथ, 44 युवाओं द्वारा संचालित बूथ और 70 दिव्यांग कार्मिकों द्वारा संचालित बूथ बनाने के निर्देश दिए हैं और सभी मॉडल बूथ बनाने के लिए SBI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक CSR के माध्यम से हमें सहयोग कर रहे हैं। वहीं इस बार निर्वाचन के दौरान विभाग द्वारा इस्तेमाल सभी वाहनों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाना है, जिसके लिए 10,000 से ज्यादा वाहनों में GPS सिस्टम लगाया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जनपदों में मॉडल बूथ तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। मॉडल बूथ के अंतर्गत सभी जनपदों में 3 प्रकार के मॉडल बूथ के बारे में निर्देश जारी किए गए थे। उसमें प्रमुखता से सभी मतदान कार्मिक अगर महिला होंगे तो महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ मॉडल बूथ के रूप में चिन्हित होगा। प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम 1 बूथ तैयार करने का निर्देश दिया गया था। उसी क्रम में जो हमारे समस्त जनपदों ने महिला कार्मिक द्वारा संचालित बूथों की संख्या निर्धारित की गई है। सभी जनपदों में मिलाकर 85 मॉडल बूथ तैयार किए जाएंगे जो महिला कार्मिक के द्वारा संचालित किया जाएगा। ये बूथ का संख्या हमारी जो 70 विधानसभा है उससे थोड़ी अधिक है। उसका प्रमुख कारण ये है कि बागेश्वर जनपद में 12 महिलाओं के द्वारा अपडेटेड बूथ निर्माण किए जाएंगे। उसके अलावा टेहरी जनपद में 9 बूथ तैयार किया जाएगा। कुछ जनपदों ने कुछ विधानसभाओं में 1 से अधिक बूथ का भी प्रस्ताव रखा है, तो उसके अनुरूप कुल संख्या 85 हो जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में 1 PWD ऑपरेटेड बूथ भी निर्माण के निर्देश दिए गए थे, जिसमें समस्त कार्मिक दिव्यांग श्रेणी के ही चिन्हित किए जाएंगे और उनके विलिंगनेस के आधार पर, उनके इच्छा के आधार पर उनकी ड्यूटी निश्चित की जाएगी।